ये सिलोटा है, इसमें हम नीम पत्ती को कुचलते हैं। प्लास्टिक है, हंडी के मोहरा में बांधते हैं इसको ऐसे, रस्सी से बांध। हाँ, रस्सी से बांध। तो पानी के बारे में सब चीज बता दिया, लेकिन थोड़ा इसको कैसे रखते हैं, कैसे करते हैं, इसके बारे में थोड़ा आप बता दें। हाँ जी, बता ही दे रहा हूँ। सबसे पहले हम 10 लीटर पानी मटका में डालते हैं। बेसन डालते हैं, इसको डंडा से अच्छी मिलाएंगे। हाँ। बेसन को डंडा से नहीं मिलता तो हाथ से भी मिला सकते हैं। हाँ। इसके बाद ये 1 किलो गोबर है, उसको भी मिला के अच्छी मिला लेते हैं इसको। इसके बाद ये नीम पत्ती को मिलाते हैं। इसके बाद ये गुड़ को अच्छी फोड़ लें और डालते हैं वहाँ पे, छोटे छोटे करके। उसके बाद ये गुड़ को मटका में डालते हैं। इसके बाद क्या डालते हैं? ये आधा लीटर का लोटा है तो इसमें 1 लीटर डालना है। हाँ। गौमूत्र। को फिर मिला दो अच्छी तरह से। भैया अब ये अपने पानी बन गया? नहीं, अभी इसको यहाँ बनाएंगे, ऐसे बांधेंगे। हाँ। और इसके बाद बनने में 11 दिन लग जाएगा इसको। अच्छा। हाँ। इसको 11 दिन तक बंद रखना पड़ेगा भैया? हाँ, इसको अच्छी तरह से बांध दो, 11 दिन तक हवा तक नहीं घुसना चाहिए इसके अंदर। हाँ। तब ये सड़ के बन जाएगा। कहाँ रखेंगे भैया, छांव में या धूप में? नहीं, इसको छांव में रखेंगे।